ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विड SO2 एज ए सोलवेंट कि द्रव SO2 को हम विलायक की तरह से क्यों काम में लेते हैं और उनकी कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो जैसे द्रव अमोनिया था, तो द्रव अमोनिया के अंदर क्या होता है, अमोनिया एक क्या होता है, अम्ल होता है या क्षार होता है, अमोनिया क्षार होता है क्योंकि वो उसके पास लोन पेयर होता है, बहुत आसानी से वो दे सकता है। लेकिन द्रव SO2 या सीधा SO2 की बात करें तो SO2 क्या होता है, उसके पास खाली कक्षक होते हैं, डी कक्षक होते हैं खाली S के पास, सल्फर के पास। तो ये क्या करता है, ये लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है, यानी अगर खाली कक्षक है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जब भी रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, जैसे द्रव अमोनिया था उसका अगर कंपैरिजन करें तो वो लुईस क्षार की तरह बिहेव करता था, तो ये लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखनी है तो SO2 की स्ट्रक्चर बनाओ कॉपी में, SO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, क्या होते हैं, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें क्या है, अगर हमें इसको आवेशित फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड को तोड़ दो, उसके इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की ये ज्यादा होती है देन कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ नेगेटिव एच प्लस। ठीक है, यानी ये क्या करता है, एक तरह से डाइपोल मोमेंट का भी शो करेगा कुछ ना कुछ वैल्यू। ठीक है, डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल है, द्विध्रुव है, तो वो क्या दिखाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएगा, म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ दिखाता है। तो यहाँ पे द्रव SO2 जो है इसका लिक्विड अमोनिया के साथ अगर कंपैरिजन करें तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी यानी आयनों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी म्यू की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है द्रव SO2 के, हम कंपेयर करते हुए लिखेंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो इसको लिख लो, द्रव SO2 एक अजलीय विलायक है, ठीक है, SO2 को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, लिक्विफाइड किया जा सकता है इजीली, SO2 की संरचना या स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर बना लो, ये SO2 जिसमें क्या है, सिंपल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट लिख लो, SO2 लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता था। नेक्स्ट लिखो, द्रव SO2 का ताप क्षेत्र माइनस
75 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है, माइनस 75 से माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, ताप क्षेत्र क्या होता है उसका, मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है SO2 का -75 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद में लिखो सल्फर डाइऑक्साइड का द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होता है। वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ठीक है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। एक लाइन और लिखो, द्रव SO2 में हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती, जबकि द्रव अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंधन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जल की तुलना में कम होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू परावैद्युतांक जिसे कहते हैं, इसकी वैल्यू कम होती है देन कंपेयर टू वॉटर, इसलिए यह सहसंयोजक यौगिकों के लिए उत्तम विलायक है। सहसंयोजक यौगिकों के लिए उत्तम विलायक है। ठीक है, बेस्ट सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, लास्ट लाइन इसमें लिखो, कार्बनिक यौगिकों के लिए भी द्रव SO2 एक अच्छा या उत्तम विलायक है। ठीक है, ये इसके क्या है, कॉमन फीचर है द्रव SO2 के। ये हमने कंपेयर किया है अमोनिया के साथ और जल के साथ, क्योंकि ज्यादातर हम विलायक के तौर पर जल का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम अजलीय विलायकों की बात करते हैं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमने द्रव SO2 को एज ए सॉल्वेंट लिख लिया। ठीक है, इसके बाद लिखो द्रव SO2 की अभिक्रियाएं या रिएक्शंस। ये द्रव SO2 कौन कौन सी रिएक्शंस दिखाता है, हमें सिर्फ बस इसकी रिएक्शंस पढ़नी है, उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी रिएक्शंस भी सेम होगी जैसी द्रव अमोनिया की थी, या हमने कॉमन पढ़ी थी कि अजलीय विलायकों की रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। उसमें पहला लिखो विलायक संकर का निर्माण, पहली रिएक्शन है विलायक संकर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सोलवेट। ठीक है, विलायक संकर क्या होता है, जब भी हम कोई भी विलेय को विलायक के अंदर घोलते हैं तो वो क्या करता है, अगर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, संकुल यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक संकर कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसे इस तरह से लिखो विलायक संकर का निर्माण। ठीक है, होता क्या है कि जैसे हमने द्रव SO2 है उसको तो लिया एज ए सोलवेंट विलायक के तौर पर, ठीक है, उसमें हम कोई भी आयनिक या फिर कोई भी सहसंयोजक यौगिक को एज ए विलेय मिलाए यानी सॉल्यूशन बनाए, तो क्या करता है कि ज्यादातर जो SO2 है वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, सहसंयोजक यौगिकों के साथ या फिर कार्बनिक यौगिकों के साथ।
ठीक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के अंदर ज्यादा टेंडेंसी कोवेलेंट बॉन्ड्स की होती है, सहसंयोजक प्रवृत्ति की होती है। उनके साथ जब भी ये बॉन्ड बनाता है तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, एक संकुल का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलायक संकर कहते हैं या फिर सोलवेट कहते हैं। ठीक है, यानी विलायक जो है वो उस विलय को पूरी तरह से घेर कर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक लाइन लिख लो, सल्फर डाइऑक्साइड लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, ये हमने देखा था अभी। और ज्यादातर लवण या सोल्ट, ज्यादातर लवण या सोल्ट लुईस शार की भांति बिहेव करते हैं, लुईस शार की भांति व्यवहार करते हैं। SO2 करता है लुईस एसिड की तरह, और जितने भी हम सोल्ट लेंगे जिसकी रिएक्शन करवाएंगे SO2 के साथ, वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। इससे आणविक संकुल का निर्माण होता है, इससे मोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनता है, आणविक संकुल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है ये, पोटेशियम आयोडाइड लिया है हमने। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड की हम जब रिएक्शन करवाते हैं द्रव SO2 के साथ या लिक्विड SO2 के साथ, तो ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस तरह का। ठीक है, 4 SO2 लिए ना हमने, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, कि हमने क्या किया, क्योंकि हमने SO2 के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, देखो आयोडीन है, आयोडीन के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, खाली होते हैं तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। अब जितने भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े आपने, उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों को पढ़ा है, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ठीक है, उपसहसंयोजक व्रत होता है। इसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर क्या लेते हैं, एक मेटल लेते हैं, एक मेटल किससे घिरा हुआ होता है, लिगेंड से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और उसकी जो स्ट्रक्चर है या कितने लिगेंड से घिरा हुआ है, वो डिपेंड करता है कि उसके पास खाली कक्षक कितने हैं। तो जैसे कोई एक एग्जांपल है ये, ये एक क्या है, सॉरी एक प्लस 3 है, तो माइनस 3 का 3 आएगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर इसको हम संकुल यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, संकुल यौगिक में होता क्या है कि एक मेटल जो घिरा हुआ है कितने n लिगेंड से। ठीक है, जो उसकी क्या होती है, उपसहसंयोजक संख्या होती है मेटल की। अब ये कितने लिगेंड से घिरा हुआ होगा, ये कैसे पता लगता है हमें, कि ये जो कोबाल्ट है इसके पास खाली कक्षक कितने हैं। जितने खाली कक्षक होंगे वो उतने ही लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 27 पे आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कोबाल्ट का। अब यहाँ पे जो कोबाल्ट है, ये क्या होता है, कोबाल्ट ज्यादातर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, तो कोबाल्ट प्लस 3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, 3d6 4s0। ठीक है, अब ये अगर 3d6 है तो हम इसको किस तरह से बनाते हैं, ये हमारा d 3d, उसके बाद में क्या है 4s, उसके बाद क्या होते हैं 4p, इस तरह से। ठीक है, अब इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में अगर हमारा जो लिगेंड होता है वो अगर स्ट्रोंग होता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। पेयर्ड कैसे होंगे, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी क्या है, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम
छह लिगेंड लेके आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, छह लिगेंड लेके आएंगे और इस कोबाल्ट के इन खाली कक्षकों के अंदर ये अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, इसी तरह इसमें होगा कि ये भी क्या करता है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। इसमें भी क्या होगा कि आयोडीन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, उसके पास खाली कक्षक कितने होते हैं। ठीक है, वो उसमें जाके क्या करेगा, SO4 जो है, ये कह रहे थे क्या आप SO4? अच्छा, बाहर वाला ना, फिर ठीक है, ये SO2 होगा, है ये तो सल्फर डाइऑक्साइड ही है। ये इसके चार मोलिक्यूल हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम आयोडीन का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो उसके पास ज्यादातर क्या होते हैं, चार ऑर्बिटल खाली होते हैं। चार ऑर्बिटल जब खाली होंगे तो वो क्या करेगा, चार SO2 को अपने साथ जोड़ लेगा और उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसलिए ये इस तरह का संकुल यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। इसी तरह की एक रिएक्शन ये भी होती है कि अगर पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन करवा दें हम चार SO2 के साथ, तो ये भी क्या करेगा, इसी तरह का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादातर क्या होती है, या तो चार होती है या छह होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। चार जो होती है उससे स्ट्रक्चर दो तरह की बनती है, एक वर्गाकार समतलीय बनती है, एक चतुष्फलकीय बनती है। ठीक है, और अगर छह होती है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, अष्टहलकीय संरचना बनती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी रिएक्शन लिखो, एसिड बेस रिएक्शन। ये था विलायक संकर का निर्माण, दूसरी है अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन तो सिंपल है, हमें पता है कि SO2 क्या करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो ये किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें SO2 की ही, तो SO2 जो होता है उसका सेल्फ आयनाइजेशन, स्वतः आयनन हो सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, स्वतः आयनन क्या होता है कि जो कंपाउंड है वो खुद को ही क्या कर दे, आयनित कर दे। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो, ये पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट है ये आपस में एक दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर दे, आयनित कर दे, तो उसे क्या बोला जाता है, स्वतः आयनन या सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन में क्या होता है, अब SO2 का एक मॉलिक्यूल बिहेव करेगा लुईस एसिड की तरह और एक बिहेव करेगा लुईस बेस की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक बनेगा आपका SO+2। ठीक है, और एक बनेगा आपका SO3-2। ठीक है, क्या हुआ, SO2 के दो मॉलिक्यूल है, SO2+SO2। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, एक बार में ये होता क्या, ऐसे इस तरह से होता है कि एस पे चार्ज कितना होता है, सल्फर पे चार्ज कितना होता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है। ये मान लो -2 है, तो -2 और -2, दो ऑक्सीजन है हमारे पास, तो टोटल कितना होगा, -4। तो सल्फर पर ज्यादातर क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, यानी वो क्या कर सकता है, चार इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से ले सकता है। ऐसा क्यों होता है, एक ही फैमिली है ये दोनों, ऑक्सीजन की और सल्फर की, लेकिन सल्फर के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल आ जाता है। ऑक्सीजन तक हमारे पास डी ऑर्बिटल, डी कक्षक नहीं होते हैं, जैसे हम नीचे वाले आवर्त में जाते हैं तो वहां पे डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। डी ऑर्बिटल आने की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम इसका स्वतः आयनन करते हैं SO2 का, तो ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल के, यानी O-2 को बाहर निकाल के दूसरे वाले में जोड़ देता है। ठीक है, तो अब इनमें क्या होगा, ये अगर पूरा जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, +2 का, यानी यहां से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जहां से बाहर निकलेंगे वो क्या कहलाएगा, बेस।
या शार, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो शार होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एसिड। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, एक एसिड और बेस का फॉर्मेशन करता है। यानी जब भी हम SO2 का सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे, स्वतः आयनन करवाएंगे, तो ये दो तरह के आयन यहाँ पे बनाता है, एक एक इसमें दिखाता है एसिड को और एक दिखाता है ये बेस को। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो और एक लाइन लिख लो, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का स्वतः आयनन अमोनिया की तुलना में बहुत कम होता है। अमोनिया की तुलना में बहुत कम होता है। अतः इसकी विद्युत चालकता का मान भी कम होता है। विद्युत चालकता का मान, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, जैसे जैसे किसी सॉल्यूशन में SO+2 की वैल्यू बढ़ती है, अगर हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं द्रव SO2 के अंदर किसी भी विलेय का, तो अगर ये बढ़ता है मतलब वो क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति वहां पे बढ़ेगी। अगर ये कंपाउंड आपका बढ़ता है -2 वाला, तो मतलब वहां पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, अब अम्ल क्षार जो अभिक्रिया है उसकी अगर आपको रिएक्शन लिखनी है, तो आप क्या करोगे, इसकी उल्टी रिएक्शन लिख लो। एक अम्ल है, एक क्षार है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, दो SO2 के मॉलिक्यूल बना देंगे। यानी एक अम्ल क्षार अभिक्रिया इस तरह से इसमें पॉसिबल होती है। इसके अलावा लिख लो, जैसे सीजियम है, ये क्या है, सीजियम, डाई सीजियम सल्फाइट, इसकी रिएक्शन करवाइए SOCl2 के साथ, तो इससे हमें क्या मिलता है, दो सीजियम क्लोराइड मिलते हैं। ठीक है, दो सीजियम क्लोराइड मिलते हैं और हमें दो SO2 के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इस तरह की रिएक्शन है, ये क्या है, SO3-2 ये वाला। ठीक है, ये क्या है, SO+2 ये वाला। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, दो SO2 बना देंगे, और बचा क्या, CS+1 और Cl-1, इन दोनों के दो दो मॉलिक्यूल है, तो दो CsCl यानी सीजियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएंगे। ये क्या होगी, एक तरह से अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। ठीक है, इन दोनों के अंदर ये क्या है, बेस है, क्षार है, और ये क्या है, एसिड है। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, सोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा क्या है, सोल्ट है, लवण है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, विलायक अपघटन अभिक्रिया, थर्ड रिएक्शन है, विलायक अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब विलायक अपघटन क्या होता है, कि अगर हम क्या कर दें, जो हमारा विलायक है यानी हम यहाँ पे ले रहे हैं द्रव SO2, उसका अगर हम विघटन कर दें, ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड ले एज ए सोलवेंट सोल्यूट, एज ए विलेय, जो क्या करे, इस विलायक का अपघटन कर दे, तो वो हमारी क्या होगी, विलायक अपघटन अभिक्रिया होगी। ठीक है, जैसे पहले तो एक लाइन लिख लो, इसके अंदर प्रोटोनिक विलायकों की तुलना में, एक लाइन लिख लो बस, प्रोटोनिक विलायकों की तुलना में द्रव SO2 की विलायक अपघटन अभिक्रिया कम होती है।
ठीक है, द्रव अमोनिया या फिर बात करें हम H2O की यानी जल की, इन दोनों के कंपैरिजन में SO2 की विलायक अपघटन अभिक्रियाएं कम होती है। ठीक है, इनकी विलायक अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो ये क्या करता है, इसके एक ऑक्सीजन को PCl5 ले लेता है। ठीक है, जब एक ऑक्सीजन लेगा तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरस के साथ। जब भी ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, दो क्लोराइड आयन को बाहर निकालेगा जो कि किसके साथ जुड़ जाएंगे, SO के साथ जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विलायक का अपघटन कर दिया एक तरह से। तो ये हमारी क्या होगी, विलायक अपघटन अभिक्रिया होगी। इससे अब एक रिएक्शन को लिख लो। ठीक है, इसके बाद की रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।